Today's topic is exercise 3.4, question second, part fifth, and question is a lending library has a fixed charge for the first three days and additional charge for each day thereafter. Saritha paid rupees 27 for a book kept for seven days, while Sasi paid rupees 21 for the book सी केप्ड फॉर फाइव डेज फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे इट मीन्स एक लैंडिंग लाइब्रेरी है लैंडिंग लाइब्रेरी का मतलब कि वह पुस्तकालय जहाँ से आप रेंट पे बुक ले सकते हो तो क्वेश्चन में पूरा ये लिखा है कि सरिथा जो कि ट्वेंटी सेवन रुपीज़ पे करती है लाइब्रेरी को और वो बुक रखती है अपने पास सेवन डेज मतलब सेवन डेज का जो रेंट हुआ वो ट्वेंटी सेवन रुपीज़ हुआ जबकि शशि उस एक बुक को फाइव डेज रखती है और वो पे करती है ट्वेंटी वन रुपीज़ मतलब फ़ाइव डेज़ का रेंट ट्वेंटी वन रुपीज़ हुआ तो आपको ये फाइंड करना है कि फिक्स्ड चार्ज कितना है और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे कितना है क्योंकि उसने ये फिक्स कर दिया है क्वेश्चन में कि आपको फिक्स्ड चार्ज तो देना पड़ेगा फिर उसके बाद वो थ्री डेज के लिए है आपको तीन दिन से ज़्यादा अगर आप बुक रखते हैं तो एक्स्ट्रा पैसा भी देना पड़ेगा तो नाउ द क्वेश्चन इज फिक्स चार्ज एज वेल एज एक्स्ट्रा चार्ज के लिए पूछ रहा है तो स्टूडेंट्स एज्यूम करो लेट द फिक्स्ड चार्ज चार्ज बी रूपीज एक्स एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्राडे बी रूपीज वाई तो आपने दो चीजें एज्यूम कर ली पहले फ़िक्स्ड चार्ज और फिर उसके बाद जो फिक्स्ड चार्ज हो जाएगा तो उसके बाद ईच एक्स्ट्रा डे कितना रुपीज देना पड़ेगा दैट इज वाई तो सरिता ट्वेंटी सेवन रुपीज पे करती है और कितने दिन बुक रखती है सेवन डेज तो सेवन डेज का चार्ज क्या होगा पहले तो फिक्स्ड चार्ज देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिक्स्ड चार्ज आप एक्स रुपीज हो गया प्लस अब वो तीन दिन तक फिक्स्ड चार्ज काम करेगा और तीन दिन के बाद एक्स्ट्रा चार्ज लगना शुरू हो जाएगा तो सेवन में से थ्री डेज के लिए उसने एक्स रुपीज पे कर दिए हैं अब बचा कितना दिन सेवन माइनस थ्री दैट इज फोर डेज तो फोर डेज का उसको फोर इंटू वाई रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा तो टोटल अमाउंट हो जाएगा ट्वेंटी सेवन और इक्वेशन फर्स्ट ये आपकी बन गई अब यही केस शशि के लिए है शशि फाइव डेज बुक को रखती है तो फा, फाइव फाइव डेज में थ्री डेज तो उसका एक्स रुपीज में थ्री डेज हो गया और प्लस बचा कितना थ्री टू फाइव टू डेज का वाई रुपीज़ दे दिया तो टोटल इतना रेंट हो गया तो उसका रेंट हो गया टोटल ट्वेंटी वन उसने पे किया दैट इज इक्वेशन सेकंड नाउ स्टूडेंट्स देर आर टू इक्वेशंस दोनों बहुत आसानी से बन गई हैं और आप इसको फिर सॉल्व करेंगे तो आराम से इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं लाइन ड्रा कीजिए सब्ट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड लिख देता हूँ और उसके बाद यहाँ माइनस 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 कैंसिल फोर वाई माइनस टू वाई दैट इज टू वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी वन माइ ट्वेंटी सेवन माइनस ट्वेंटी वन सेवन माइनस सिक्स दिस इम्प्लाइज वाई इक्वल टू थ्री इट मीन्स आपका एक वाई की वैल्यू आ गई नाउ पुट वाई इक्वल टू थ्री इन एनी इक्वेशन मान ली मैंने फर्स्ट में पुट कर दिया तो इट मीन्स x plus 4 into 3 x into 4 into 3 that equal to x into 4 into 27 this implies x plus 12 equal to 27 this implies x equal to 27 minus 12 that is 15 7 minus 2 5 एंड टू माइनस वन फिफ्टीन तो स्टूडेंट्स आंसर हो जाएगा फिक्स्ड चार्ज सो फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू दैट इज एक्स रुपीज फिफ्टीन एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे डी इक्वल टू रूपीज कितना हो जाएगा रूपीज थ्री दैट इज़ द फाइनल आंसर स्टूडेंट्स इस तरीके से आप वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं वंस अगेन यू मे सी टोटल आंसर आपने एज्यूम किया यहाँ से और इस तरीके से इसका ये क्वेश्चन पूरा आपका सॉल्व हो गया थैंक्स स्टूडेंट्स